हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस फाइनली BGMI के अंदर आज वीक 7 भी ओपन हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग वीक 7 एक्सप्लेन करने वाले हैं। नो डाउट आपकी 100 RP कंप्लीट हो चुकी होगी, पर यार देखो हम लोग RP कंप्लीट बस इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम लोग ये जो पॉइंट्स वगैरह वो निकाल सके। एंड गाइस आपको पता है क्रेट वगैरह आई है, तो इसमें जो आउटफिट वगैरह है वो सब ले सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग वीक 7 एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें कैसे आप लोग इजीली इजी मिशन कंप्लीट कर सकते हो आप लोग। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फटाफट चलते हैं वीक 7 वाले मिशन पे। तो यहाँ पे गए जो वीक 7 का जो सबसे पहला मिशन निकल कर आ रहा है, पिकअप मोलोटोव कॉकटेल इन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को जो मोली होती है या मोलोटोव कॉकटेल जिसको हम लोग बोलते हैं मोली सिर्फ शॉर्टकट में, तो उसको आप लोग को पिकअप करना है 5 मैचेस के अंदर में। ठीक है, अब देखो यार तुम एक मैच में 5 पिकअप कर लो तो काउंट तो एक ही होगा, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो आप 5 क्या 10-15 पिकअप कर लो। ठीक है, लेकिन आपको 5 मैचेस में पिकअप करने होंगे, देन जाके ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे जिसमें लिखा है गिव 12 लाइक्स टू टीममेट। आप लोग को अपने टीममेट्स को 12 बार लाइक करना है। ठीक है, अब देखो लाइक करना है, लाइक करने में आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने मैच में करते हो। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ कि देखो सर, अगर आपको बहुत जल्दी करना है, 1-2 मिनट के अंदर में करना है, तो 1-2 मिनट नहीं, 5-10 मिनट के अंदर में करना है, तो आप लोग सेंट्रोनी मैप लगा कर आप लोग एंड में जाकर अपने अपोजिट वाले बंदों को भी लाइक कर सकते हो, अपने आप अपने टीममेट्स वगैरह को भी लाइक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे जिसमें लिखा है फिनिश 2 एनिमीज विद हेडशॉट इन क्लासिक मोड। तो यार यहाँ पे एक मुश्किल होती है कि आपको हेडशॉट मार के बंदों को फिनिश करना है और आपको किल मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी और का फिनिश कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी शायद काउंट हो जाता है। ठीक है, देख लेना, कर लेना कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे जिसमें लिखा है स्पेंड 60 मिनट इन मैचेस। तो यार आप लोग को गेम के अंदर 60 मिनट स्पेंड करना है, आपको 60 RP पॉइंट मिल जाएगा, फिर ये स्टार्ट हो जाता है, फिर करना है, फिर मिल जाएगा पॉइंट, फिर स्टार्ट हो जाएगा। बोले तो जो लोग क्लासिक मोड ज़्यादा खेलते हैं, मैच वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, उनके लिए मिशन परफेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे जो कि फ्रेंड बूस्ट है। फ्रेंड बूस्ट आपको पता ही है कि आप करो कंप्लीट चाहे आपका टीममेट करे कंप्लीट, दोनों का काउंट होगा। ठीक है, इसमें लिखा है फिनिश 5 एनिमीज विद SMG इन एरेंगल इन क्लासिक मोड। तो आप लोग को SMG गन से आपको 5 किल करना है। ठीक है, अब SMG गन में कौन कौन सी गन आती है, देखो फर्स्ट UMP आती है, सेकंड UZ, थर्ड थॉम्सन बाइजन, MP5, P90 एंड के सर एक और न्यू गन आती है जो ड्रॉप में मिलती है सिर्फ। तो वो सारी गन से किसी भी गन से 5 किल करना है और एरेंगल मैप के अंदर करना है। तो अगर आप लिविक वगैरह खेलते हो तो आपका उसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे जिसमें लिखा है फिनिश 1 एनिमी विद शॉटगन इन एरेंगल इन क्लासिक मोड। तो एरेंगल में ही 1 किल अब शॉटगन से करना है। अब देखो शॉटगन में DBS, S12K, डबल कट्टा, S6, H6, H1, S1, H9, 7, तो ये सारी गने आती है। तो आप लोग अगर लिविक खेलते हो तो उसमें एक आती है, एक शॉटगन आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है चलने में। तो उनमें से किसी भी शॉटगन से आप लोग को सिर्फ 1 किल करना है। ठीक है, एरेंगल मैप के अंदर, लेकिन हाँ लिविक में तो इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे तो वाली शॉटगन बेकार हो गई। ठीक है, इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे जिसमें लिखा ओपन एयर ड्रॉप 6 टाइम विद टीममेट इन क्लासिक मोड। आप गए सर, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ड्रॉप को लूटना है। ठीक है, वो भी जो आपके टीममेट आपके साथ हो। ठीक है, नो डाउट मुश्किल नहीं है, आप आज के टाइम पे आप ड्रॉप इजीली लूट सकते हो, कोई इतने बंदे नहीं आते कि आप ड्रॉप पे गए फाइट होगा, फाइट भी हो जाएगी तो अच्छी बात है ना, ड्रॉप तो लूट लिया आप लोगों ने। तो इस तरीके से और एक चीज़ ये भी है कि अगर आपका टीममेट भी लूट लेता है तो भी दिक्कत नहीं है, टीम बूस्ट मिशन है, कोई भी बंदा लूट लेगा टीम करना तब भी काउंट हो जाएगा सभी बंदों का। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा मत ही करना। इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पे जिसमें लिखा है फिनिश 5 एनिमीज विद DP28 इन एनी मोड। तो आप लोग को 5 किल करना है DP28 से किसी भी मोड के अंदर, चाहे आप PDM में ही इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो अगला मिशन है इसमें लिखा है पिकअप स्कारल इन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो आपको स्कारल को पिकअप करना है 5 मैचेस के अंदर में। देखो तो स्कारल नो डाउट थोड़ा बहुत कम मिलती है, कभी मिलती है, तो अगर नहीं मिलती है तो आप लोग शॉप से परचेस कर सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा और आपको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे जिसमें लिखा है लॉग इन इनटू द गेम ऑन अ टोटल ऑफ 3 डेज।
आप लोग को 3 दिन लगातार गेम लॉगिन करना है। नो डाउट अभी ये वीक 6 का काउंट होगा, वीक 7 का अगले वीक जब ओपन होगा वीक 8 तब काउंट होगा वीक 6 का, ठीक है, सॉरी वीक 7 का काउंट होगा। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे जिसमें लिखा पिकअप स्टैंडर्ड क्विक ड्रॉ मैग 1 टाइम इन क्लासिक मोड। तो आप लोग को स्टैंडर्ड क्विक ड्रॉ मैग पिकअप करना है। देखो ये तीनों का आता है, SMG, AR और स्नाइपर तीनों का आता है। तीनों में से किसी एक का अगर आप पिकअप कर लेते हो तो आपका काउंट हो जाएगा। बस एक ही बार पिकअप करना है तो आपका काउंट हो जाएगा और एक ही मैच में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे जिसमें लिखा है डिस्ट्रो 2 व्हीकल टायर्स इन क्लासिक मोड। तो आप लोग को 2 गाड़ियों के टायर डिस्ट्रॉय करने हैं, 2 टायर नहीं 2 गाड़ियों के टायर डिस्ट्रॉय करने हैं, इस तरीके से याद रखा करो, ठीक है। अब टायर को डिस्ट्रॉय करना तो आपको पता है गन से मार के डिस्ट्रॉय कर सकते हो, घूसे से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इस तरीके डिस्ट्रॉय मतलब आप उस गाड़ी के टायर को ख़राब कर देना, बस वही समझ लो। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे जिसमें लिखा है रिस्टोर 100 हेल्थ इन क्लासिक मोड। मतलब आपको अपनी 100 हेल्थ रिस्टोर करने क्लासिक मोड के अंदर आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप एक दो जोन डैमेज लेते रहो आराम से, अगर एक बार हाफ HP हो गई फिर आप फुल रिस्टोर करते हो, उसके फिर हाफ HP हो गई फिर रिस्टोर करते हो, तो आपका एक ही मैच में कम्प्लीट हो जाएगा। तो यार आप लोग बहुत आसानी से ये वाले सारे मिशन वीक 7 के कम्प्लीट कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है, कोई भी ऐसा हार्ड न्यू मिशन नहीं लग रहा है। तो चलिए गाइस यही था आज के इस वीडियो में, आप लोग जाओ वीक 7 के मिशन कंप्लीट करो, देन जाके ये वाली जो क्रेडिट्स वगैरह हैं अगर इसमें कोई ऑफर वगैरह आपका नहीं है आपके पास तो आप लोग इसको निकालने का ट्राई करो। फिलहाल RP1 कब करोगे क्या, कुछ भी तो नहीं करोगे, यही करोगे ना। चलिए गाइस बाय, अपना ख्याल रखना यार, लव यू ऑल।